हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच एक्टर सलमान खान ने दान दिया और मुसीबत को गले लगा लिया। तो आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हुआ? अचानक लॉकडाउन से पनवेल के फार्म हाउस में फंसे हुए सलमान खान मुश्किल में भी लोगों की मदद पर उन्होंने एक गलती कर दी। यही गलती सुर्खियां बन गई। सलमान खान अपनी गलती के लिए सबूत खुद दे रहे हैं। क्या है गलती और क्या हो सकता है अंजाम देखिए, रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस में रहने के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कई बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इस रविवार भी उनके फार्म हाउस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि सलमान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राशन और खाने पीने की जरूरी सामान को पास खड़ी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जरूरतमंदों के लिए राशन दान करने वाले सलमान और उनके परिवार में से किसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही हाथों में ग्लव्स। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई खास पालन होता नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले सलमान खान एक वीडियो शेयर कर लोगों से घरों में रहने और मास्क पहनने की अपील करते दिखे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हाथ जोड़कर शुक्रिया कह रहे सलमान के हाथों में ना तो ग्लव्स हैं और ना ही चेहरे पर मास्क। यही हाल उनके साथ मदद कर रहे परिवार वालों और दोस्तों का है, जिनमें से कोई भी लॉकडाउन के नियमों को नहीं मान रहा। ये बड़ा सीरियस मामला है, ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। अब सवाल ये उठ रहा है कि सबको लॉकडाउन का पाठ पढ़ाने वाले सलमान आज खुद ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन 3 में आज से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए हम बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि किस जोन में क्या कुछ खुलने वाला है, क्या कुछ रियायतें मिलेंगी। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए सुबह सुबह हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कौन से इलाकों में क्या कुछ खुलेगा। आप देखिए, रेड जोन में दवा और दूध आपको मिलेगा, ऑरेंज जोन में भी मिलेगा, ग्रीन जोन में भी मिलेगा। छोटी दुकानें रेड जोन में खुलेंगी, ऑरेंज जोन में खुलेंगी, ग्रीन जोन में खुलेंगी। मॉल बाजार रेड और ऑरेंज जोन में बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगे। सैलून की बात करें तो ये रेड जोन में नहीं खुलेंगे, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगे। शराब की दुकानें तीनों जोन में खुली रहेंगी। सिनेमा और जिम तीनों जोन में बंद रहेंगे। तो ये वो जरूरी चीजें जिस पर लोगों को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन शराब की दुकानों को लेकर आपको बता दें, शराब की दुकान और सैलून की जो दुकान है, ये इसको लेकर कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ शर्तों के साथ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और कुछ शर्तें तय की गई हैं, उसके हिसाब से ही इस पर आपको जाने आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज तीनों जोन में बंद रहने वाले हैं। बस जो है वो रेड जोन में नहीं चलेंगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगी। ट्रेन फ्लाइट तीनों जोन में बंद है। टैक्सी कैब जो है रेड जोन में बंद है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगे। कार जो है उसमें तीनों जोन में इजाजत दी गई है। बसेस जो अलाउ की गई, आपको बता दे, दो जोन्स में, यानी ऑरेंज और रेड में, वहां पर 50 से ज्यादा यात्री एक बस में नहीं होंगे। टू व्हीलर्स की जहां तक बात है, वो यहां पर तीनों जोन में खुले हुए हैं। कार्स को लेकर लेकिन ये नियम पहले दिन से तय कर दिया गया है कि कार में एक व्यक्ति आगे की सीट पर होगा और एक व्यक्ति पीछे की सीट पर। इस बात का ख्याल जरूर रखना है आपको। इसके अलावा देख लीजिए, ई कॉमर्स कंपनी तीनों जोन में खुली रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ तीनों जगह खुले रहने की अनुमति दी गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तीनों जगह पर अनुमति दी गई है। गांव में जो इंडस्ट्रियल काम चल रहा है, तीनों जोन्स में उसको अनुमति मिली है। मनरेगा का काम भी तीनों जोन्स में चलता रहेगा। ईंट के भट्टे भी तीनों जोन्स में चलते रहेंगे। तो ये तमाम इजाजत दी गई है इन कंपनीज को, इन इंडस्ट्रीज को, इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। तो बहुत सारी रियायतें लॉकडाउन 3 में लोगों को मिली है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन था, तो उम्मीद करते हैं इसके जरिए दूर जरूर हुआ होगा।